वॉर रूम, जी हाँ वॉर रूम में बैठकर ही कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के सदस्यों की इसी साल के अंत में होने जा रहे विधानसभा चुनावों की तैयारी बैठक बुलाई गई थी। मकसद था चुनावों में विरोधियों का मुकाबला करने के लिए रणनीति बनाने का, लेकिन हुआ उल्टा। वॉर रूम में अपनों के बीच ही वॉर यानी युद्ध का ऐसा माहौल बना कि अग्रिम मोर्चे पर तैनात किए जाने वाले नेता ही सीएम अशोक गहलोत के सियासी तीरों के निशाने पर आ गए। सीएम ने खुद कई बार कहा है कि वो जो कुछ भी कहते हैं उसके मायने होते हैं, इसीलिए अब पार्टी से बाहर और भीतर सीएम के इन सियासी तीरों के मायने तलाशे जा रहे हैं। कांग्रेस वॉर रूम की बैठक में सीएम अशोक गहलोत ने जो तेवर दिखाए उसका उन नेताओं को भी अंदाजा नहीं होगा जिन्हें संबोधित कर खरी खोटी सुनाने में मुख्यमंत्री ने कोई कसर नहीं छोड़ी। चुनावी तैयारियों की चर्चा के बीच उखड़े सीएम गहलोत ने पार्टी के संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में मंत्रियों नेताओं को खरी खरी सुनाई। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की इस पहली बैठक में कई नेता उनके निशाने पर रहे। इससे पहले कि हम आपको आगे की कहानी बताएं, आइए आपको बताते हैं सीएम ने अपने खासम खास समझे जाने वाले नेताओं को क्या कुछ कहा। एक दौर में सीएम के सबसे नजदीक माने जाने वाले नेता पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, जो गुजरात के प्रभारी भी हैं, उन्होंने जातिगत जनगणना का मामला उठाते हुए कहा कि इससे पार्टी को नुकसान होगा। सीएम अशोक गहलोत ने रघु शर्मा को तल्ख लहजे में पलटवार कर जवाब दिया कि जातिगत जनगणना का मुद्दा उनका नहीं, पार्टी का नेशनल स्टैंड है। इतना ही नहीं, गहलोत ने रघु को यहां तक कह दिया कि आप तो बड़े नेता हो, सीधे दिल्ली जाकर राहुल गांधी को कह दो। इसके बाद रघु शर्मा ने चुप्पी साध ली। सीएम के निशाने पर आए दूसरे नेता कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, जो कि अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं। बैठक में खाचरियावास ने कहा कि विधानसभा चुनाव में एग्रेसिव अप्रोच की जरूरत है, बीजेपी से आक्रामक होकर लड़ना होगा, बगैर आक्रामक हुए काम नहीं चलेगा। सीएम गहलोत शायद प्रताप सिंह को घेरने की ताक में ही थे। प्रताप सिंह को इतना कहते ही निशाने पर ले लिया, साथ ही चुटकी ली, पता है तुम कितने एग्रेसिव हो, बोलते बोलते ट्रैक से उतर जाते हो, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ये तो वेणुगोपाल हैं जो तुम्हें बर्दाश्त कर रहे हैं, अगर मैं होता तो एक ही दिन में बता देता कि अनुशासनहीनता क्या होती है। बड़े नेताओं की इस बैठक में कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य और पूर्व सांसद रघुवीर मीणा ने जब मानगढ़ धाम में ओबीसी आरक्षण का दायरा बढ़ाने के सीएम के बयान को आदिवासियों की नाराजगी बढ़ाने वाला बताया, तब भी मुख्यमंत्री ने रघुवीर मीणा को फटकारते हुए कहा कि तुम मुझसे ज्यादा जानते हो क्या, बिना सोचे समझे बोलने लगते हो। इसके बाद रघुवीर मीणा शांत हो गए। हालांकि रघुवीर मीणा ही नहीं बल्कि हरीश चौधरी ने भी ओबीसी आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर सवाल उठाए थे, पर मुख्यमंत्री ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। लेकिन अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले राज्यसभा सदस्य नीरज डांगी को तो अपने रिश्तेदार के लिए टिकट मांगने पर जिस तरह से सीएम ने झिड़का वो भी चर्चा का विषय बना हुआ है। बैठक में मुख्यमंत्री इतना ही नहीं रुके, अपनी सरकार के मंत्रियों को भी नसीहत देने से नहीं चूके। साफ कहा, आप केवल अपने क्षेत्र के नेता नहीं हो, जिले के मालिक हो, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ आसपास के विधानसभा क्षेत्र में भी जाकर काम करो, जनता की समस्याएं सुनो और उन्हें दूर करने का प्रयास करो, खाली अपने विधानसभा क्षेत्र में बैठने से काम नहीं चलेगा। सीएम के इन सियासी तीरों के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। माना यह भी जा रहा है कि सीएम इस तरह के बयानों से ये संदेश भी देना चाहते हैं कि चुनावों में अपनी अपनी ढपली बजाने वाले नेताओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहा तो ये भी जा रहा है कि अपनी सरकार को अस्थिर करने के प्रयासों में भाजपा का नाम लेकर परोक्ष रूप से अपने उन सियासी विरोधियों पर निशाना भी साध रहे हैं जो समय समय पर बागी सुर उठाते रहे हैं। अब चूंकि चुनाव नजदीक हैं, पार्टी टिकटों की पहली सूची सितंबर के अंत या अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आने की चर्चाओं ने भी नेताओं की नींद उड़ा रखी है। इसीलिए जिन्हें अपना टिकट कटने के थोड़े से भी आसार नजर आते दिख रहे हैं, वे अपने बेटे बेटियों और रिश्तेदारों का नाम आगे कर रहे हैं। बहरहाल सीएम के भरी सभा में उखड़ने के कारणों की भी विश्लेषक अपने अपने तरीके से तलाश में जुटे हैं, लेकिन ये तय है कि दोबारा सत्ता में आने के लिए आतुर कांग्रेस पार्टी को विपक्ष की बजाय अपनों से ज्यादा खतरा बना हुआ है। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।